देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्लीनिंग ऑफ वीट कैरिड आउटसाइड द फार्म. तो मैंने तो आपको बताया था कोई भी प्रोसेस जो कि एग्रीकल्चर फार्म में होता है, बट ये तो कहाँ हो रहा है, फार्म के बाहर. इट इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर जीएसटी. देखो अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है एंड विच डज नॉट ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और वो जरूरी है उसको प्राइमरी मार्केट में बेचने के लिए, तो देन इट इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोसेस, राइट. तो इट इज अ प्रोसेस विच डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल इन अ प्राइमरी मार्केट एंड देयरफॉर वुड बी कवर्ड इन द एग्जेम्पशन एंट्री इवन इफ द सेम इज डन आउटसाइड द फार्म, भले वो फार्म के बाहर भी किया जा रहा है तो भी. तो क्लीनिंग ऑफ वीट, वीट को छाटना, बेटा वीट से वीट फ्लोर बनता है. तो अगर हम बात करें कि अगर गेहूं का आटा है दैट इज वीट फ्लोर है, तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं है, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो जाएगा. बट इट इज ओनली वीट, गेहूं, ठीक है. तो आप कंफ्यूज मत होना उससे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है. शेलिंग ऑफ पैडी नॉट कवर अंडर द एग्जेम्पशन एंट्री. एक तो ये क्लीनिंग ऑफ वीट याद रखो, एक शेलिंग ऑफ पैडी नॉट कवर अंडर द एग्जेम्पशन एंट्री. शेलिंग ऑफ पैडी मतलब कि शेलिंग मतलब कवरिंग करना. तो ये जो शेलिंग होती है ना, ये कभी भी एग्रीकल्चर फार्म में नहीं होती है, ये राइस मिलर के यहाँ होती है. ये कौन करता है? राइस शेलर करता है, और जो कि फार्म से बहुत दूर होता है, ये कवर नहीं होता है नेगेटिव लिस्ट. एग्जेम्पशन लिस्ट को हम नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, तो इसी कारण दिस इज नॉट कवर अंडर अ एग्जेम्पशन लिस्ट. दिस प्रोसेस इज नेवर डन ऑन फार्म. ये एग्रीकल्चर फार्म में नहीं होता है बट इन अ राइस शेलर, बट ये फैक्ट्री में होता है जो कि नॉर्मली, आई एम नॉट श्योर कि 100%, विच इज नॉर्मली लोकेटेड अवे फ्रॉम द फार्म. देयरफॉर दिस इज नॉट कवर अंडर अ नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट मतलब एग्जेम्पशन लिस्ट. तो आप बस इतना याद रखो, शेलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एग्जेम्प्ट, राइट. हाँ, लेकिन जॉब वर्कर जो रहते हैं, जॉब वर्कर की सर्विस टैक्सेबल है. लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चरिस्ट ने शेलिंग ऑफ पैडी का काम दिया है एक मिस्टर एक्स को और वो जॉब वर्क करके इन्हें लौटा दे रहा है, तो एनी जॉब वर्क इज टैक्सेबल बट जॉब वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट टैक्सेबल. तो हम इसके बाद एक पॉइंट पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट प्रोसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट टैक्सेबल. होल ग्रेन पर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि उपजाऊ ही उसकी वैसी रहती है, उसे प्रोसेस करना नहीं पड़ता है. हाउएवर होल ग्रेन पल्सेस सच एज होल ग्राम, राजमा, ये सब जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मान लिए जाएंगे. होल ग्रेन पल्सेस मैंने एग्रीकल्चर से जितने भी पॉइंट्स आपके नेगेटिव लिस्ट में थे वो एक जगह कंपाइल किए हैं. तो अभी ये सिर्फ पहला पॉइंट हुआ है हमारा एग्रीकल्चर का, वो भी मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें दो तीन पॉइंट्स आप लर्न करें. आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम सुने, आपको बड़ा मजा आया, आपने बोला मैं भी खेती करूँगा. तो खेती करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? खेती करने के लिए आपको मशीन चाहिए, एनिमल्स चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए. तो इवन इफ वी आर नॉट डूइंग अ कल्टीवेशन बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ लैंड ऑन अ रेंट टू अ कल्टीवेटर, द रेंट विच रिसीव टू अस इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इट इज एग्जेम्प्ट, उसमें हमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है. मैंने कुछ ऑपरेशंस आपको बोले, कटिंग, क्लीनिंग, कूलिंग, क्योरिंग, कल्टिवेशन, प्योरिंग, पैकिंग, बल्क पैकिंग, तो ये सब प्लांट प्रोटेक्शन भी हमारे क्या माने जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोसेस माने जाएंगे. अब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका बनता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा. पैक करने के बाद उसको लोडिंग अनलोडिंग करवाना पड़ेगा, और मार्केटिंग कमिटी है जो आपको सेल करने में मदद करती है.
ठीक है, फर्मिगेशन प्रोसेस में एक बात और याद रखेंगे, एक तो फर्मिगेशन प्रोसेस जो है वो एग्रीकल्चर फार्म में हो रहा है, एक और पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर एच, सर्विस बाय वे ऑफ फर्मिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि ये एक अलग से पॉइंट दिया था नेगेटिव लिस्ट में, मैंने उसको इसमें यही डाल दिया, अगर हम पेस्टिसाइड्स का कोई भी काम, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर गोडाउन में रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, और उस समय अगर हम फर्मिगेशन प्रोसेस करते हैं, देन इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्लांटेशन करते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लिया जाएगा, आप सिर्फ प्लांटेशन करते हैं, टी, रबर, कॉफी प्लांट्स वगैरह कल्टिवेट प्रोड्यूस करते हैं, देन इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पोटैटो चिप्स नहीं है, गेहूं को साफ करना जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्म में हो या एग्रीकल्चर फार्म के बाहर। शेलिंग ऑफ पैडी जो है दैट इज नॉट कवर अंडर अ एग्जेम्पशन लिस्ट, लेकिन अगर हम जॉब वर्क कर रहे हैं तो वो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। होल ग्रेन पल्सेस, प्लीज ये वर्ड याद रखो, होल ग्रेन पल्सेस जो कि ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, देन सच प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखो सेकेंड पॉइंट भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस, कैरिंग एन इंटरमीडिएट प्रोसेस, कैरिंग एन इंटरमीडिएट प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स, याद रखना, इज एग्जेम्प्ट। तो मैं यही बोल रही हूँ, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है जॉब वर्कर, तो इफ एनी जॉब वर्क इज डन ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देन इट इज एग्जेम्प्ट, वो नेगेटिव लिस्ट में है। या हम कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस कर रहे हैं इन रिलेशन टू रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो बेटा ये याद रखना, जॉब वर्क जो रहते हैं उनकी सर्विसेज टैक्सेबल रहती है, बट जॉब वर्क अगर कोई भी सर्विस दे रहा है विच इज अ रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो देन सच सर्विसेज एग्जेम्प्ट। इसी में एक अदर एस्पेक्ट्स करके लिखा है, माइलिंग ऑफ पेडी इन टू राइस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। देखो कुछ बच्चों को क्या होता है, अपन सबको ध्यान रहता है लेकिन एग्जाम में जल्दी जल्दी में हमसे गलती हो सकती है, तो एक पॉइंट याद रखेंगे, ऊपर हमने जो एक पॉइंट पढ़ा था वो वीट पढ़ा था, क्लीनिंग ऑफ वीट, तो वीट गेहूं ही होता है, लेकिन वीट फ्लोर जो रहता है वो हमारा फिनिश गुड्स रहता है। इन द सेम वे पैडी, पैडी इज अ रॉ एंड राइस जो है वो इंडस्ट्री में प्रोसेस होने के बाद बनता है, हम पैडी को प्रोसेस करते हैं और फिर राइस बनता है। पैडी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में कल्टीवेट होते हैं, लेकिन राइस जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, दैट इज डन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। तो माइलिंग ऑफ पैडी इन इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, तो माइलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, इट इज अ प्रोसेस कैरीड आउट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन इज ओवर। ये बोल रहे हैं माइलिंग ऑफ पैडी इज नॉट अ कल्टिवेशन इंटरमीडिएट प्रोसेस, ये प्रोसेस तब होता है जब पूरा कल्टिवेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इफ द प्रोसेस इज कैरीड आफ्टर द कल्टिवेशन इज ओवर। पैडी हैज बीन हार्वेस्टेड, मतलब जब पूरा कल्टीवेशन ओवर हो जाता है, पैडी हार्वेस्ट हो जाती है, तब हम ये प्रोसेस करते हैं। फर्दर पैडिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट कैरीड आउट बाय अ कल्टीवेटर बट बाय अ राइस मिलर। ये मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस कौन करता है, राइस मिल का जो ओनर है वो करता है, ना कि कल्टीवेटर करता है। देयरफॉर माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस आल्सो चेंज इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस कैन नॉट बी कंसिडर एज एन इंटरमीडिएट प्रोसेस या प्राइमरी प्रोसेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर हम माइलिंग ऑफ पैडी जो करते हैं वो जॉब वर्क बेसिस में करते हैं, तो पहले बताओ क्या माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नहीं, तो फिर जॉब वर्क उसका एग्जाम तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस कर रहे हैं, इज ऑल्सो लाइबल फॉर जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% एंड द प्रोसेस ऑन द प्रोसेसिंग चार्जेस एंड नॉट ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ द राइस। इसका मतलब है अगर कोई जॉब वर्कर है उसकी सर्विस तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर जॉब वर्कर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट अगर जॉब वर्कर
माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस का काम करता है, तो उस केस में ये सर्विस टैक्सेबल होगी। और जितना वो जॉब वर्क का चार्जेस ले रहा है, से फॉर एग्जांपल वो प्रोसेसिंग चार्जेस जो भी ले रहा है, उसका 5% जीएसटी लगेगा, ये लिखा। तो हमारा 2 पॉइंट एग्रीकल्चर का कंप्लीट हुआ। वन इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेकेंड पॉइंट है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एंड नाउ द सर्विस रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मैंने बोला था आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कंडीशनिंग, कूलिंग, राइपनिंग। राइपनिंग क्या होता है? जब हम आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट्स को पकाते हैं, मतलब सेल इन मार्केट में जल्दी बिके वो। वैक्सिंग मतलब एक कोड लगा देते हैं। रिटेल पैकिंग, लेबलिंग। तो ये सब प्रोसेस अगर आप करते हो, विच डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर एग्जेम्प्ट, राइट। अब कल्टीवेटर जो है, उसने से फॉर एग्जाम्पल एप्पल का उसका बाग है, तो भाई इसकी तो सर्विस क्या हो गई? एग्जेम्प्ट। अब आपने क्या किया, ये एप्पल के लिए कोल्ड स्टोरेज बना दिया, ठीक है, या एप्पल्स में आपने एक वैक्सीन का काम कर दिया और आपने लेबलिंग लगा दी अपनी, देखना कभी लगी रहती है, और फिर उसको अपन पैक करके छोटे छोटे डब्बों में सेल कर दिए। तो ये जो आपका एक्टिविटीज है, ये जो सर्विस है, अब मुझे बताओ क्या इन सर्विस से एप्पल का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो ये सारी सर्विसेज एग्रीकल्चर सर्विस में आ जाएंगे एंड इट इज एग्जेम्प्ट। बट अगर मैं सपोज रियल कंपनी जो है दैट व्हाट डू कि फ्रूट्स का क्या बनाती है, वो जूस, अब इन दैट केस दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग विच ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फ्रूट्स को किस में कन्वर्ट कर दिए, जूस में। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस कर रहे हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में विच डज नॉट ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दैट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। सो सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्स। तो दैट मीन्स अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से आप एनिमल्स का बर्थ करवा रहे हो, जैसे कि सपोज हैन का या कोई भी एनिमल्स का, कोई भी एनिमल का, लेकिन वो हॉर्स नहीं होना चाहिए। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल मतलब एक तरीका रहता है जिससे हम जानवर को मारते हैं ताकि उनको ज़्यादा पेन ना हो। इनके अलग से ऑफिसेस रहते हैं, प्रिमाइसेस रहती है जहाँ पे हम एनिमल्स को मारते हैं, तो दैट इज मारते हैं गलत है, बट स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल वो सर्विस को हम क्या बोलते हैं? स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। अब राइस के लिए हमने पढ़ा था कि भाई माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज नॉट एन कवर्ड इन एग्जेम्प्टेशन लिस्ट। लेकिन कुछ स्पेशल राइस हैं, उनके लिए हम एग्जेम्पशन देंगे। स्पेशल राइस में हमको ये याद रखना है, बेटा देखो राइस को प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज टैक्सेबल, लेकिन अगर राइस को स्टोर कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, या लोडिंग कर रहे हो, या अनलोडिंग कर रहे हो, या वेयर हाउसिंग कर रहे हो, तो भाई स्टोर करेंगे तो वेयर हाउस तो चाहिए। तो सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, राइस इज एन फिनिश गुड्स। तो राइस के लिए हमारे को एक पॉइंट याद रखना है स्पेशल राइस के लिए, कि भैया ये जो स्पेशल राइस है इनके लिए अगर हम एस से स्टोरेज, पी से पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और वेयर हाउस करेंगे, तो हमारी सर्विस क्या हो जाएगी? दैट इज नॉट टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो बेटा जो शुरू के 6 पॉइंट मैंने बनाए हैं, वो मैंने ऐसे बनाया कि ताकि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही लर्न करें। 6 पॉइंट में एक एग्रीकल्चर हो गया, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हो गया, तीसरा हो गया हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, राइट, चौथा हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक, दोनों दो एनिमल्स के पॉइंट हो गए, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स एंड राइस। तो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हमने 6 पॉइंट लर्न किए। तो अभी जो किसान की कहानी मैंने आपको बताई थी, तो उसमें 6 पॉइंट हो गए, दैट इज एग्रीकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और राइस। तो एक किसान है जो मैंने बताया था, वो किसकी खेती कर रहा है? फ्रूट्स, वेजिटेबल और राइस की। और दो याद रखना, इंटरमीडिएट प्रोसेस
और दो जानवर के पॉइंट हमारे को लगना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। ये पॉइंट मैंने इस तरह से बनाए ताकि एक ही जगह पे ये पॉइंट्स हमारे को ध्यान रहे। दीज आर सेपरेट एक्टिविटीज, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल का कोई रिलेशन नहीं है एग्रीकल्चर से। ये लर्न करने के लिए मैंने ये 6 पॉइंट को एग्रीकल्चर में डाल दिया ताकि मुझे और आपको याद हो जाए। तो 6 पॉइंट हमारे एग्रीकल्चर की कहानी में से एग्रीकल्चर पॉइंट उठाने और उसके 6 पॉइंट हो गए। किसकी खेती कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल एंड राइस की, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल। एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटीज है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन शेलिंग ऑफ पैडी याद रखेंगे नहीं है। माइलिंग ऑफ राइस पैडी इनटू राइस इज आल्सो नॉट एग्जेम्प्ट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कोई भी ऐसे प्रोसेस करना जिससे फ्रूट्स और वेजिटेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होते हैं तो वो प्रोसेस भी निगेटिव लिस्ट में है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था लेबलिंग, लोडिंग, रिटेल पैकिंग। राइस, स्पेशल राइस जो है, राइस इज अ फिनिश गुड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बट राइस अगर हम बात कर रहे हैं स्टोरेज, पैकिंग, लेबलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड वेयर हाउसिंग की, तो वो हमारी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कोई भी जॉब वर्क की सर्विस टैक्सेबल है, बट इफ इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इट इज एग्जेम्प्ट। तो अब हमारी कहानी हम बताते हैं कि वो एग्रीकल्चर क्या करता था, ओवर टाइम करता था। नाउ व्हाट इज ओवर टाइम, दैट इज मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। क्या लर्न करना है आपको, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। आपने कस्टम एक्ट में पढ़ा है कि अगर हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो अनलोडिंग होती है वो ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स ही होती है, वर्किंग आवर्स में ही होती है, और संडे को नहीं होती है या हॉलीडे में नहीं होती है। बट अगर आप चाहते हैं कि उसे आफ्टर ऑफिस आवर करवाएं तो यू हैव टू पे सम चार्जेस। सच चार्जेस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट इन GST, राइट? तो ये बात है ओवर टाइम चार्जेस, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। तो वो किसान ओवर टाइम करता था, तो उससे मेरे को कोड वर्ड लर्न करना है, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पेड बाय एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इफ दे आर टेकिंग अ सर्विस आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडे आर एग्जेम्प्ट। तो उस चार्जेस में हमें GST नहीं लगेगा। और मैंने बोला जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल वो कल्टिवेट करता था वो कोल्ड चेन में रखता था। तो हमारे को थर्ड पॉइंट क्या लर्न करना है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल कोल्ड चेन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। तो अब भाई नेशनल वर्ड आ गया, मतलब कि समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल कोल्ड चेन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट बाय वे ऑफ कोल्ड चेन के बारे में लोगों को बताना, जानकारी देना, तो दैट इज डन बाय NCCD, नेशनल वर्ड आ गया है। तो वो सर्विस उनकी क्या है, उसमें एग्जेम्पशन है, दैट इज not taxable under GST. अब मैंने आपको ये बोला कि वो किसान था, ओवर टाइम करता था और कोल्ड चेन में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्टोर करता था। अच्छा, उसका खुद का घर नहीं था, मैंने बोला किराए का लिया था या लीज में लिया था। तो घर के हमारे 3 पॉइंट्स थे, तो वो हम लर्न करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो, प्योर सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले तो मैं बता दूं, इस GST में इतनी योजना है, तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी योजना में आप कोई भी सर्विस दे रहे हो तो वो आपकी एग्जेम्प्ट है, उसमें GST नहीं लगेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इतनी सारी योजना हम लर्न नहीं कर सकते, तो आप बस इतना याद करो, कोई भी योजना आ जाए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय योजना या फिर ग्रामीण योजना या कोई भी योजना आ जाए, तो तुम एग्जेम्प्ट कर देना उसको, राइट? है कि नहीं, वो इतने सारे योजना है, या तो पढ़ लो ताकि लर्न कर सको, या चुपचाप से योजना करके वर्ड याद रखो। योजना के अंदर, कोई भी योजना के अंदर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो तो वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नाउ इसमें देखो क्या हुआ, लिखी है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ, चाहे आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो या आप बना के दे रहे हो या इंस्टॉल करके दे रहे हो, फिटिंग करके दे रहे हो, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस, इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट अंडर
the housing for all urban mission on Pradhan Mantri Awas Yojana. तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे को सबको घर बना के देने पड़ते हैं. तो अगर हम घर बना के दे रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टर है, दैट मीन्स वी आर अ कॉन्ट्रैक्टर. हम उनको कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो है उसको एक्सपांड करके दे रहे हैं या रिपेयर या रिनोवेशन करके दे रहे हैं अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत. तो हम जो सर्विस दे रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर जो सर्विस दे रहा है, सच सर्विस इज कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट. तो घर का पहला पॉइंट हमारे को ये याद रखना है. सेकेंड पॉइंट देखो, अगर हम कोई भी रेंटेड प्रीमाइसेस लेते हैं फॉर रेसिडेंशियल पर्पस तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा. इसका ये मतलब है कि अगर आपने मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस के लिए एक प्रीमाइसेस रेंट पे ली है एंड ही इज पेइंग अ रेंट तो उस रेंट पे जीएसटी लगेगा. बट इफ यू हैव टेकन अ प्रीमाइसेस फॉर योर ओन रेसिडेंस तो फिर आपको जीएसटी नहीं लगेगा. तो रेंटिंग ऑफ हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस में जीएसटी नहीं लगेगा. लीजिंग, मैंने ये पॉइंट लर्न करने के लिए लिखा है, लेकिन लीजिंग में पॉइंट क्या है कि अगर कोई इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे को अगर लीज में कोई असेट देती है तो देन इट इज एग्जेम्प्ट. रोलिंग स्टॉक असेट इंक्लूडिंग वेगन कोच लोकेस, तो जो भी अपनी कोचेस वगैरह हैं वो अगर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन अगर इंडियन रेलवे को देती है तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द निगेटिव लिस्ट. तो अगर हम कहानी की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, किसान. तो किसान के हमारे पॉइंट हो जाएंगे 6. फिर मैंने आपको बताया था वो ओवर टाइम करता है, तो एक हो गया मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस. फिर हमने बोला था कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपने कोल्ड चेन में रखता है, तो एक हो गया NCCD. फिर हमने बोला था कि वो किराए के घर पर रहता है, तो किराए का घर या लीज का घर, तो लीजिंग में घर याद नहीं रखना है. घर का ये पॉइंट आ जाएगा कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप अगर कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन जीएसटी एग्जेम्पशन लिस्ट. और वो किसान, मैंने कहा थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो एक संस्था बना के रखा है अपनी जिससे वो अपने मेंबर्स की मदद करता है. तो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी के 2 पॉइंट्स है जो हमने बना दिए यहाँ पे. अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू इट्स मेंबर. तो अगर कोई भी सर्विस अपने मेंबर को दे रही है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी, तो इसमें जैसे लिखा है ट्रेड यूनियन या कोई भी ऐसी सर्विस दे रहे हो जो कि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी. सर्विस बाय कौन दे रहा है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इट्स टू इट्स ओन मेंबर बाय वे ऑफ शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो दैट मींस मेंबर्स हैं, दे मेक द अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी एंड सच unincorporated body or non-profit entity which is registered under any law for timing in force providing service to their member because they have contributed or they have given a contribution to such an incorporated body. Naam yaad rakho, trade unions नाम याद रखेंगे. कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी या कोई ऐसी एक्टिविटी. थर्ड पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, कि अगर वो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टी जो है वो अपने मेंबर से कंट्रीब्यूशन ले रही है और अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम थर्ड पर्सन फ्रॉम फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. नाउ इसका क्या मतलब है, देखो क्या होता है आजकल सोसाइटीज के कंसेप्ट तो आपको पता ही है. तो यहाँ पे हमारे सोसाइटी के घर हो गए और जिन्होंने यहाँ पे घर लिया है वो इस सोसाइटी के क्या है, मेंबर है. और ये जो सोसाइटी है ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी है या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है एंड दिस सोसाइटी इज पेइंग टू अ थर्ड पर्सन. से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गार्डनर को हायर किया है, लिफ्टमैन को हायर किया है, वॉचमैन को हायर किया है, तो द सोसाइटी इज टेकिंग अ सर्विस ऑफ द थर्ड पर्सन.
फॉर दैट द सोसाइटी विल चार्ज फ्रॉम इट्स मेंबर. तो पर मेंबर का कंट्रीब्यूशन 7,500 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये जो सोसाइटी है, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है टू इट्स मेंबर, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड दे आर नॉट चार्जिंग मोर देन 7,500 रुपीज पर मंथ पर मेंबर फॉर प्रोक्योरिंग द सर्विस ऑफ थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर. अब सेम केस बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भी होता है. जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारी शॉप्स रहती हैं और हर शॉप में जो है दैट इज अ मेंबर्स, उनको मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं. बट ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, आपने 5,000 रुपए दिया तो भी बेटा ये फुल्ली टैक्सेबल है, बिकॉज हियर द वर्ड इज रिटन इट शुड बी अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, राइट. तो अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू इट्स मेंबर जो कि एग्जेम्प्ट है या ट्रेड यूनियन है, या उन लोग पर मेंबर दे आर चार्जिंग 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर टेकिंग द सर्विस ऑफ अ थर्ड पर्सन फॉर अ कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. अनइनकॉर्पोरेटेड के दूसरा पॉइंट ये है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग एंड फोर्स, अगर इन लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर्स या प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री आर्ट साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट टू इट्स ओन मेंबर अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी अप टू 1,000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर. तो एक तो ये लिखा है कि अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी के जो दो पॉइंट्स हैं आप उसको लर्न करें. अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी प्रोवाइडिंग अ सर्विस प्रमोटिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के जो लेबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटीज प्रमोट कर रही है, तो इसमें अमाउंट से हमें मतलब नहीं है. ट्रेड यूनियन में हमें अमाउंट से मतलब नहीं है. एग्जेम्प्टेड सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो अमाउंट से मतलब नहीं है. लेकिन अगर वही अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने मेंबर्स से फीस ले रही है और वो 7,500 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि हम थर्ड पर्सन से सर्विस ले लें, या अगर हम मेंबर से फीस ले रहे हैं और प्रमोट, देखो नाम बहुत ईजी है, आर्ट ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, ये तो एक ही नाम मिलते जुलते हैं, एग्रीकल्चर आर्ट साइंस एंड लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, तो ये सारे अगर आप काम कर रहे हैं प्रोवाइडिंग प्रोवाइडेड जो मेंबरशिप फी है शुड नॉट बी मोर देन 1,000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर. प्लीज ध्यान देना, वहाँ पे 7,500 रुपए पर मंथ है और यहाँ पे पर ईयर है, राइट. अब आते हैं हम कहानी में, किसान के जो बच्चे थे वो बड़े स्पेशल थे उसको. तो स्पेशल के हमारे को दो पॉइंट लर्न करने हैं. एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या SEZ डेवलपर कोई भी सर्विस इंपोर्ट करेंगे तो उनके लिए IGST एग्जेम्प्ट हो जाएगा. IGST विल नॉट बी टैक्सेबल, इट विल बी एग्जेम्प्ट. ऑल सर्विस, कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहा है अगर यूनिट और डेवलपर इन SEZ फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम होल ऑफ द IGST, क्योंकि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें IGST लगता है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लोकेटेड इन IFSC SEZ. अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बैंक डालता है, ठीक है, तो और अगर कोई इंटरनेशनल मतलब कि फॉरेन की बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डालता है तो उसको बोलते हैं IFSC और इसको बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, राइट. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपकी यूनिट है तो उसे दुकान है तो उसे SEZ यूनिट बोलते हैं. अगर आपकी SEZ में बैंक है तो इसे बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट. अगर कोई फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच इज लोकेटेड इन SEZ एंड सच IFSC इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस आउटसाइड इंडिया टू इट्स कस्टमर देन इट इज exempt.
वो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ आईएफएससी लोकेटेड इन एसी जेड टू अ कस्टमर, सर्विस बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ आईएफएससी, तो इस आईएफएससी का अगर कोई इंटरमीडियरी है, किसका इंटरमीडियरी है, आईएफएससी का, और वो कहाँ पे लोकेटेड है, एसी जेड पे, तो सर्विस बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ आईएफएससी लोकेटेड इन एसी जेड टू अ कस्टमर विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी आर एग्जेम्प्ट, बट इट शुड बी फॉर अ करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी देन इट इज एग्जेम्प्ट। तो उसके बच्चे बड़े उसको स्पेशल थे, स्पेशल के हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, दो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट।